हम जा रहे हैं अपने गाँव। मैं अभी तक गाड़ी नहीं आई, सवा जबरदस्त हो चुका है। ये हमारी गाड़ी आ चुकी है अभी। अच्छी खासी बारिश हुई है। लस्टर खाता अस्सलाम वालेकुम यार। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से और आपका भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त। और आप देख सकते हैं अभी हमने आपको अंदर सिखाया तो हार वगैरह पड़े हुए हैं, तो हाजियों को मुबारक देने के लिए लोगों की आमद स्टार्ट हो चुकी है। और अभी हम जा रहे हैं अपने गांव। जो हमारा दूसरा बद्दा था वो हमारे गाँव का था, जो दूसरा हमारा गाँव है वहाँ पर चलते हैं। अभी हमने वैन मंगवाई है, पूरी फैमिली जो है साथ जा रही है, तो चलते हैं अभी, देखते हैं वैन आई नहीं आई, तो सफ़र को स्टार्ट करते हैं। तो मातली की जो लोकल वैन है उसको हमने 5 बजे का टाइम दिया था, 6 बज चुके हैं, अभी तक गाड़ी नहीं आई, तो अभी इंतज़ार में खड़े हुए हैं। और जो कराची वाली गाड़ी हमने मंगवाई थी वो बदीन की गाड़ी थी, वो डोम थी, ये मेरे ख्याल में हाईएस्ट पुराना मॉडल होगा ये दाउदेसी। तो वहाँ पर भी इंशाल्लाह जो माहौल होगा जितना हो सका आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, जैसे ही मेरी नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस गाड़ी का इंतज़ार करते हैं। तो आप देख सकते हैं अंकल जो है वो जा रहा है, अभी भी मेहमान और ताक पर बैठे हुए हैं, बच्चे सारे इंतज़ार में खड़े हुए हैं, अभी तक गाड़ी नहीं आई, 6:15 बज चुके हैं। मौसम भाई ज़बरदस्त हो चुका है हमारे गांव वाली साइड पे, अभी तक हमारी गाड़ी नहीं आई, हम निकले नहीं हैं। फाइनली हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है, ये हमारी गाड़ी आ चुकी है अभी 1 घंटा लेट। हेदा हेदा काया चीज है। तो फाइनली गाड़ी जो है वो हमारी 1 घंटा लेट आने के बाद अब हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और मौसम भी खूबसूरत हो चुका है और इंशाल्लाह हम अपने गांव की तरफ रवा दवा हैं। तो जैसे ही आगे जाएंगे दिखाएंगे आपको कहां कहां बारिश हो रही है नहीं हुई। हमारे गांव में अच्छी खासी बारिश हुई है, लेकिन हम जब पहुंचे तो बारिश रुक गई थी। आप देख सकते हैं सड़क पे भी पानी खड़ा हुआ है। पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हुई है, हमारे गांव में अभी स्टार्ट हो रही थी, हम निकल चुके थे, तो चलते हैं घर। बच्चे फुल एंजॉय करते हुए और बारिश के बाद जो मौसम है बहुत ही खूबसूरत मौसम हो चुका है, देख सकते हैं ये हमारे गांव के कुछ मंजर। हम अभी छत पे थे तो नीचे से आवाज़ आ रही है कि चाय आ चुकी है, तो चलते हैं चाय पीते हैं। तो यहाँ पर 1 कप चाय नहीं, ये तो 10-12 कप चाय है, चाय है, बिस्किट हैं रिफ्रेशमेंट के लिए और ये चना चाट भी है। खा के देखते हैं किस तरह की बनी हुई है। चना चाट माशाल्लाह ज़बरदस्त थी और चाय बिस्किट खाने के बाद अब हमारी बिरयानी की जो देग है वो भी पहुंच चुकी है,
हाजी जब हज करके आते हैं तो लोग उनकी दावत करते हैं, लेकिन ये हमारा पहला हाजी है जिसने हमारी दावत की है, और वो भी अच्छी खासी दावत की है, और बिरयानी के साथ जो है वो हमारे लिए शामी भी आए हैं। बिस्मिल्लाह, तो ये भी हम टेस्ट करके देखते हैं किस तरह के बने हुए हैं। फाइनली बिरयानी का टाइम भी आ चुका है, देख सकते हैं बिरयानी ये मातली से हमने बनवाई है, तो अब हम इंशाल्लाह खा के आपको बताएंगे किस तरह की बनी हुई है ये भी। तो डाइनिंग टेबल जो है वो सज चुकी है, आइटम आप देख सकते हैं, बिरयानी है, शामी है, अचार है, सलाद है, रायते हैं। बिस्मिल्लाह करके हम भी खाना स्टार्ट करते हैं, और नीचे हाउस फुल था इसीलिए हम अलग बैठे हुए हैं, तो हमारे पास भी सेम आइटम है जो नीचे थे। इस तरह की दावत में अगर मीठा ना हो तो फिर बात नहीं बनती, तो अब कस्टर्ड भी आ चुका है। मजा आया मालिक आदि कस्टर्ड खाता अन्या कुछ खोसे बस हूँ हालू। खाना खाने के बाद अब जो बारी आई है वो गिफ्ट की आई है। अब आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे शापर बने हुए हैं, सबके लिए गिफ्ट भी हैं, तो हाजी साहब ने जो है वो पूरा इंतज़ाम किया हुआ है हमारे लिए। गिफ्ट के साथ अजवा खजूर भी थी, जमजम भी था। तो यार कंडीशन आप मेरी देख सकते हैं, हवा बिल्कुल बंद है और बारिश हुई थी हमारे पहुंचने से पहले, उसके बाद बारिश रुक गई और लाइट भी नहीं है, और हमारे गांव में भी लाइट नहीं है, वहां पे तो बारिश भी नहीं हुई, सिर्फ हल्की हवा चली थी जब हम निकल रहे थे। तो अभी जो है वो आपने देखा, हमने खाना खाया, गिफ्ट भी मिले, हाजी साहब को मुबारक दी, तो उन्होंने सारे इंतज़ाम हमारे लिए करके रखे थे, खाना भी खिलाया, गिफ्ट भी दिए। तो अब हमारी वापसी है अपने गाँव की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ जो आज का ये हमारा फैमिली व्लॉग था ये आपको पसंद आया होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो अब हमारी वापसी है अपने गांव की तरफ, और इंशाल्लाह खैर खैरियत से हम अपने गांव पहुँचे।